मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की है और साथ ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कमलनाथ पहली बार अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले तो एक बड़ा रोड शो किया और फिर रैली को संबोधित करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली। साथ ही बैठक में अधिकारियों को लेकर कई फैसले लिए, मगर एक फैसला ऐसा भी लिया जिसने मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी और वो मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव करने वाला फैसला भी साबित होगा। जी हाँ, सीएम कमलनाथ ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश में कलेक्टर के नाम बदलेंगे, क्योंकि ये नाम अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं। इस मामले पर कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने इस मामले में खुद कलेक्टरों से पूछा है कि आपके पद का नाम क्या रखा जाए। सीएम ने आगे कहा कि मैं घोषणा नहीं करता हूँ, पत्थर लगाने से या फीता काटने से कुछ नहीं होता। मैंने छिंदवाड़ा में हाईवे बनवाया और ट्रेन चलवाई, लेकिन ना तो इसका कभी उद्घाटन किया और ना ही इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि काम होगा तो सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी सेंटर का उद्घाटन किया। आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब प्रदेश में कोई भी घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, बल्कि उस विभाग से जुड़ा अधिकारी करेगा जिसके अंतर्गत ये काम होना है और जिसकी जिम्मेदारी कार्य पूरा करने की होगी। सीएम के फैसले से साफ है कि अब प्रदेश में अधिकारी ही कार्यों की घोषणा करेंगे और अगर काम समय पर पूरा ना हुआ तो उसकी भी जवाबदेही अधिकारियों की ही होगी। साथ ही इस दौरान सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के किसानों को लेकर भी एक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में पाले से प्रभावित किसानों को सहायता देने से पहले सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में तहसीलदार, पटवारी के अलावा जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। इससे भी साफ हो जाता है कि सीएम कमलनाथ सत्ता संभालते ही एक्शन में, और वो जो भी फैसले ले रहे हैं वो ऐतिहासिक तौर पर हैं। कमलनाथ एक कलेक्टर के नाम बदलने वाले फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम तरह की खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।